रहे तो इतने 80 फैमिली कहाँ जाएंगे? इसका आंसर गवर्नमेंट के पास है नहीं, उनका ड्यूटी वो लोग कर कर रहे बस। तो ये कौन सा लॉ हुआ, ये कौन सा ये बोल रहे कि हाँ चलो, एक तरफ से उन लोग सही कर रहे हैं कि बिल्डिंग चोरी हो गई, तुम लोग का जान का खतरा है करके बोल रहे हैं, लेकिन आप भी इतने पब्लिक कहाँ जाएंगे, इसका आंसर उनके पास है क्या? रास्ते में खड़े कर रहे पब्लिक को, बाहर जाएंगे तो जान का खतरा नहीं है रास्ते में पब्लिक, क्यों हम लोग को कोरोना नहीं होगा? उसका गारंटी कोई दे रहा है? पब्लिक रहेगा हां, एक एक करके हम कैसे रहेंगे बगैर पंखे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुमा कपूर। कब से आप यहाँ रहते हैं? मैं 22 साल हो गए। 22 साल से? हाँ। और ये मेरा कुत्ता घर है। कुत्ता घर है? अभी आप बता रहे थे आपकी तबीयत खराब है। वो क्या डायबिटीज है? 400 से ऊपर डायबिटीज है, इतनी परेशान हूँ मैं। अब बताओ लेट लेट कैसे रहूँगी मैं? ना मेरे आदमी 5 लड़की हैं, ना मेरा बेटा है, कैसे जब हम गरीब हैं, जब तो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, ना तो मानदार को ऐसी बिल्डिंग तो यहाँ के सेक्रेटरी को है हम लोग चलो उनको बनाने का, तो हमें आगे नहीं बढ़ने। आपके यहाँ के जो बिल्डिंग के गार्जियंस रहेंगे, हाँ, उससे हमारी बात हुई थी, कौन चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी, उनका क्या कहना है? उनका सबका यही कहना क्या है अभी है वो बात कर सकते हैं ना? आपका नाम बताएं, आप क्या करते हैं? ये टेनेंटशिप बिल्डिंग है, नाम है सब टेनेंट है और मेरा नाम प्रतीश गायकवाड़ है। अच्छा, जो अभी कार्रवाई हुई थी, जो पानी की लाइन काट दी और बिजली की काट दी है, तो उसकी क्या कारण है, क्या वजह बताएंगे? वजह है कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है जमील मच्छर, वो यहाँ पर ये जो मालकी हक की ये ज़मीन और ये बिल्डिंग खरीदी हुई है, उनका ये सपना है कि लोगों को बेघर करके वो ये पूरा निगल लें, जो लोगों की प्रॉपर्टी है वो ठीक तरह से रीडेवलप करना नहीं चाहते। हालांकि लोगों ने ऑलरेडी उनको कंसेंट दे चुके हैं डेवलपमेंट का, लेकिन BMC के भ्रष्ट अधिकारी को हाथ में लेके उनसे संगन मत करके वो आज उन्होंने ये लाइट पानी का जो खेल किया है। और रही बात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो BMC ने ये पूरा फायदा तकनीकी कारण का उठाया, क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो भी सुनवाई होती है वो पूरी तकनीकी तौर से होती है, ऑनलाइन होती है, इसलिए उन्होंने हमारी जो सुनवाई न करते हुए न्यायालय ने हमारा आदेश दिया है, तो भी हम उनका सम्मान करते हैं। हम इस बात का BMC और लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट इनका निषेध करते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में, मैं मान सकता हूँ कि कोई कानूनी वजह या कार्रवाई करना जरूरी हो सकता था, लेकिन ये कोरोना के सिचुएशन में इन लोगों ने ये जो 500 जन यहाँ पे रहते हैं उनको बेघर कर दिया है। हालांकि वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में दबाव में आकर उनके मन मुटाव में जो एग्रीमेंट रखा गया, जो कंसेंट, उस पर लोग साइन करें, लेकिन लोगों ने अभी मन बना लिया है कि ऐसे धमकियों को वो राज नहीं आएंगे, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी मेरा सिर्फ महाराष्ट्र शासन और BMC प्रशासन से सवाल है और लैंडलॉर्ड जमीन मर्चेंट इनसे भी सवाल है कि ये 500 जन कोरोना स्थिति में कहाँ जाएंगे? हालांकि 2017 में महाराष्ट्र शासन का नोटिफिकेशन गैजेट है कि जब आप रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में लोगों को घर खाली करने के लिए कहते हैं, तो उनका जो पुनर्विकास के लिए जो राजी है उनका जो पर्याय व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, जो इन्होंने नहीं की है, तो ये हमारे साथ पूरे के पूरा इनजस्टिस है। हालांकि हम लोग ने कल ही उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी, इंटरिम एप्लीकेशन, लेकिन तकनीकी कारण होने के कारण अभी तक वो बोर्ड पे नहीं आई है और बोर्ड फिजिकल कारण के कारण न चालू होने के कारण हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आया। इसी का फ़ायदा उठा के आज लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट और ये BMC अधिकारी, इन्होंने मिल के अपने संगन मत से हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए ये जो कार्रवाई है, ये कानून का आधार लेके हमारी कार्रवाई की है। लोग रास्ते पे आ गए, आज कोरोना के माहौल में ये मालवली का एरिया रेड जोन में, पूरी रेड जोन में अगर लोग नीचे आ जाएंगे उनको अगर कोरोना बाधित होकर इसका जिम्मेदार कौन है? इस बिल्डिंग में बेवा है, बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हालांकि पुराने वाले पेशेंट भी है कोरोना के, बहुत सारे सस्पेक्ट भी हैं, लेकिन ये BMC ने हमारी कुछ भी सुनी नहीं है। हम इसका निषेध करते हैं कानूनी तरह से और हमें ये भी डर है कि कल अभी ये लाइट पानी चला जाएगा तो ये लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट है, इनके जो दबदबाट वाले जो इनके कार्यकर्ता कहते हैं वो क्या करेंगे, हमारे जान को बहुत उनसे खतरा है। इसके बारे में हमने मालवणी पुलिस स्टेशन को भी इत्तला कर दी है,
अभी देखेंगे कि आज ही कानूनी लड़ाई हमको जो लड़नी है वो हम यहाँ पे रह के रहेंगे। पानी नहीं है, लाइट पे हम रहेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई चारा नहीं, कोई भाड़े पे रूम नहीं दे सकता और भाड़े पे कोई जाने के लिए राजी इसलिए नहीं है कि कोरोना की वजह से सबकी कमर टूटी पड़ी है। इसके बाद डिपॉजिट रेंट के पैसे भी नहीं है, हालांकि लोगों के पास अभी दवाइयों के भी पैसे नहीं है, लोगों की फीस के पैसे नहीं, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो लोग यहाँ पे रहेंगे। अभी इसके आगे जो भी शारीरिक नुकसान होगा या फिर आर्थिक नुकसान होगा, जो भी होगा, इसके लिए पूरे जिम्मेदार लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट और बीएमसी अधिकारी होंगे। तो बीएमसी का कहना है कि हमको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया है, तो कोर्ट पे जो मतलब ये आपको पहले भी नोटिस दी थी, तो उसके ऊपर आपने नोटिस कब दी थी आपको? देखो नोटिस तो बार बार आती रहेगी, ये डिहेबिलिटेड बिल्डिंग है, धोखादायक है, और इसके बारे में हम लोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपिटिशन फाइल किया था, हालांकि कोरोना की वजह से उस पर सुनवाई ठीक से हुई नहीं। और हमारा यही कहना है कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनका हम सम्मान करके, लेकिन हमारा ये कहना है कि बीएमसी के अधिकारियों ने न्यायालय की दिशा भूल की है। उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था, एप्लीकेशन, वो भी हमारे पिटीशन में, ये बिल्डिंग बहुत ही धोखादायक है, हालांकि वो बम्बई में कुछ हादसे हुए उसका सहारा लेते हुए, हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है, आप देख सकेंगे बिल्डिंग का नुमाइना करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्डिंग की ऐसी हालत नहीं, और हम लोग ने प्राइवेट ऑडिट करके माननीय उच्चतम न्यायालय को सबमिट किया, लेकिन कोरोना की वजह से न्यायालय सिर्फ इमरजेंसी मैटर सुनने के लिए राजी है। और उन्होंने इसलिए कहा कि बीएमसी ऑफिसर ने जो कहा है उस पर भरोसा था, क्यों नहीं कहा कि ये बिल्डिंग धोखादायक है, लेकिन हालांकि स्थिति ऐसी नहीं, उसके बारे में हमारे उच्चतम न्यायालय में हमारा जो रिट पिटीशन है वो पेंडिंग है, अभी तक उसके बारे में सुनवाई होगी, लेकिन हमारा ये आरोप है कि बीएमसी ने न्यायालय की दिशा भूल की है, इसके बारे में हम लोगों ने न्यायालय में बता दिया है। हालांकि हम लोगों ने कल इसके बारे में न्यायालय में दावा दाखिल भी किया था अलग से, लेकिन तकनीकी कारण, क्योंकि अभी न्यायालय सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तकनीकी कारण ये कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही, इसका ही फायदा उठाकर उन्होंने आज हमारा लाइट पानी कट दिया, चलो वो भी चीज़ है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है कि हमको कोई पर्याय व्यवस्था दे। अभी लोग कोरोना में अगर रास्ते पे आ जाएंगे और अगर लोग कोरोना बाधित हो जाएंगे तो इसके जिम्मेदार को आज सरकार कहती है कि आप सोशल डिस्टेंस रखो और कोरोना में घर से बाहर ना निकलो, लेकिन ये अगर लाइट पानी रहेंगे तो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के जो मजदूर इंसान है जिनका हाथ में पेड़ है, वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे दूसरा घर लेने के लिए, और ये भगदड़ी मच जाएगी, लोगों के घर में लाइट पानी पंखा नहीं हो तो यहाँ पे बीमारी और फैलेगी। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप सोच विचार करें, न्यायालय का आदेश का हम पालन कर रहे हैं, उसकी जो न्यायालय लड़ाई जारी है, लेकिन आप बीएमसी और लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ के लोगों के घर जो निगलने के लिए ये जो चाल खेल रहे हैं, इसका हम लोग पूरी तरह से निषेध कर रहे हैं। देखो C1 में पूरे बॉम्बे में 350 से 400 स्ट्रक्चर है जो इससे भी बदतर है, हमारा ये कहना है कि उस पर भी एक्शन लिया जाए, लेकिन ये पूरे 400 अगर स्ट्रक्चर है पूरे मुंबई में, यही बिल्डिंग को टारगेट किया है ना, इसका मतलब समझ में आता है। इसके बारे में हम लोग ने नीचे कंप्लेंट भी की है सब लोगों ने बीएमसी को और पुलिस को, कि ये जान बूझ के ये बताना चाहते हैं कि बिल्डिंग ये अति धोखादायक है, लेकिन हालांकि परिस्थिति ऐसे नहीं, आज नहीं तो कल न्यायालय में इसका जो सच सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हमारे सामने ये न्यायालय का आदेश हम लोग ने पालन किया हुआ है, हमारी लाइट पानी कट चुकी है, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, इंसानियत के ग्राउंड पे, और बीएमसी के दिशाभूल और जमील मर्चेंट लैंडलॉर्ड के दिशाभूल के कारण न्यायालय को कुछ पता नहीं चलने हुआ ये, लेकिन इसकी हम लोग न्यायालय लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोग उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हर जगह जो भी बिल्डिंग डेमोलिशन की जाती है वहाँ जो रहने वाले लोग का भाड़ा दिया जाए उनका अर्जमेंट करते हैं, यहाँ क्यों नहीं किया, इसके बारे में कोई पता नहीं, क्या वजह, क्यों नहीं किया गया? देखो ये मांग हमने पहले भी कर चुके हैं, लिखित में कर चुके हैं, उनको कंसेंट दे चुके हैं लैंडलॉर्ड जमील मर्चेंट, लेकिन हालांकि वो ये बात सुनने के लिए राज नहीं, वो उनके मन मुटाव से चलना चाहते, उनका कहना है कि भाड़ा नहीं मिलेगा, रेंट नहीं मिलेगा, और एग्रीमेंट शो करने को वो राजी नहीं है। हम लोग कहना है कि आपकी जो भी बातें हैं वो एग्रीमेंट शो करें और सुलह करने के लिए, और ये पुनर्विकास का जो कामकाज आगे चलने के लिए हमारे सब टेनेंट्स राजी है, उसको कोऑपरेशन करने के लिए रेडी है, लेकिन इन्होंने अगर मनी बना लिया है कि ये उनको प्रॉपर्टी निकलनी है, तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि इसका कारण क्या हो सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इंसानियत का तकाजा है, लाइन कट गई है, पानी की लाइन कट गई है, और इनका यहाँ पे कुछ, इनका ये कहना है कि कुछ समय हमको मिलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, कहीं भी घर मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको स्टे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दैनिक के साथ निशान 13, जय हिंद मुंबई।